हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं सुरेंद्र सिंह आज आप सभी मेंबरों के लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर आज हम आपको बताएंगे कि पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ किस प्रकार से आप घर बैठे अपने मोबाइल की सहायता से सिर्फ 2 मिनट के अंदर लिंक कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी यदि आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखा तो। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता देते हैं कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की जो लास्ट डेट है वो 30 जून 2030 कर दी गई है। ठीक दोस्तों, इससे पहले आपको पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर लेना है, नहीं किया आपने लिंक तो आपको इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों यदि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं हुआ है तो आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव कर दिया जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, जिससे क्या होगा आप किसी भी बैंक में जाओगे तो नया खाता नहीं खुलवा पाओगे, आपकी जो भी TDS कट रहा होगा वो अधिक रेट से कटेगा। ठीक दोस्तों, और आपका जो भी रिफंड पड़ा हुआ है, रिटर्न पड़ा हुआ है, वो आपको बिना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक किए नहीं मिलेंगे। ठीक दोस्तों, तो आपको दोस्तों आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। आप कोई भी डेबिट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, ना ही दोस्तों आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ना ही डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, ये सारे चीज़ आपका पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक नहीं होगा तो सब कुछ बंद हो जाएगा। इस कारण से दोस्तों आप सबको आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करना बहुत ज़रूरी है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊँगा कि आधार कार्ड को आप पैन कार्ड के साथ किस प्रकार से लिंक कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आगे वीडियो में बताने से पहले बताना चाहता हूँ यदि आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ ही दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि मैं आपको इस प्रकार के हेल्पफुल वीडियो लाता रहूँ। तो दोस्तों आगे वीडियो में पूरी प्रोसेस बताने के लिए मैं मोबाइल स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद सबसे पहले दोस्तों आपको जो ईफिलिंग की वेबसाइट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, उस पर आपको जाना होगा। ठीक है दोस्तों, तभी आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक कर सकते हो। तो दोस्तों अब आपको नीचे चलना है, नीचे चलना है। दोस्तों आपको पहले तो ये पता करना होगा कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक है या नहीं। ठीक दोस्तों, तभी तो आपको, यदि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं है तो ही तो आपको पेनल्टी जमा करानी पड़ेगी, या तभी तो दोस्तों आपको अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको लिंक आधार स्टेटस, उसको आपको दबाना है। ठीक दोस्तों, मैं इसको दबा दिया है। मैं आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक दोस्तों, दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, इसमें आपको नीचे चलना है और दोस्तों यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर दोनों चीज़ आपको यहाँ पर फिल करनी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको दोनों चीज़ फिल करके मिलता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैंने दोनों चीज़ों को यहाँ पर फिल कर लिया है। अब आपको नीचे चलना है और यहाँ पर व्यू लिंक आधार स्टेटस, इसको आपको दबाना होगा। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है पैन नॉट लिंक विद आधार, प्लीज क्लिक ऑन लिंक आधार, लिंक टू लिंक योर आधार विद पैन। दोस्तों आपका पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं है, पहला चीज़ ये आपको पता चला है। और दूसरी चीज़ है दोस्तों कि आपका जो भी पैन कार्ड है उसको आधार कार्ड से लिंक करने के लिए आपको यहाँ पर जो नीला दिया हुआ है लिंक आधार, इसको आपको दबाना है। ठीक दोस्तों, तो मैं इसको तो यहाँ पर दबा देता हूँ। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, उसमें आपको नीचे चलना है। आप देख सकते हैं दोस्तों आपकी जो पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की जो लास्ट डेट है जो 30 जून 2023 है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप 1 जुलाई 2023 से आपका पैन कार्ड इन ऑपरेटिव हो जाएगा। इसका मतलब आपका पैन कार्ड 1 जुलाई 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी काम, कोई भी काम के लिए पैन कार्ड को यूज नहीं कर सकते, ना ही KYC के लिए, ना ही क्रेडिट कार्ड के लिए, ना ही डीमेट अकाउंट खोलने के लिए, ना बैंक के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको अपना पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक करना ही होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको नीचे चलना है। आपको यहाँ पर फिर से पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर दोनों चीज़ फिल करनी होगी। ठीक दोस्तों, उससे पहले आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो ऐसे कौन कौन से मेंबर हैं जिनको तो पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करना ज़रूरत नहीं है। पहला दोस्तों NRI हो और इंडिया का रहने वाला नहीं हो। तीसरा है दोस्तों जिसकी एज 80 साल से अधिक हो। ठीक दोस्तों, उसको भी पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ स्टेट है दोस्तों, असम है, मेघालय, जम्मू कश्मीर है, इनको भी
पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल टेंशन फ्री रहें, इनको बिल्कुल भी पेनल्टी देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक दोस्तों, अब आपको ऊपर आना है, ऊपर यहाँ पर दोस्तों आपको मैं पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर दोनों चीज़ फिल करके मिलता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर और आधार नंबर दोनों चीज़ फिल कर दिया है। अब उसके बाद आपको नीचे चलना है, नीचे चलना है दोस्तों, नीचे चलना है और यहाँ पर वैलिडेट पर दबाना है। वैलिडेट पर जैसे ही आप दबाओगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है पेमेंट डिटेल नॉट फाउंड फॉर दिस पैन। इसका मतलब दोस्तों आपके जो भी पैन कार्ड के लिए अभी कोई भी पेमेंट नहीं हुआ है। ठीक दोस्तों, तो आपको नीचे चलना है, नीचे चलना है, नीचे चलना है। अब दोस्तों आपको पैन कार्ड को आधार कार्ड को लिंक करने के लिए, पेनल्टी जमा कराने के लिए सबसे पहले कंटिन्यू टू पे थ्रो ई पे टैक्स, इसको आपको दबाना होगा। दबाने अब दोस्तों यहाँ पर आपको पैन कार्ड नंबर डालना होगा, उसके बाद दोबारा पैन कार्ड नंबर डालना होगा और दोस्तों आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। दोस्तों यहाँ पर आप अपना कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको पैन कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर दोनों चीज़ फिल करके मिलता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब हमने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और पैन कार्ड नंबर फिल कर लिया है और कंटिन्यू पर अब आपको दबाना होगा। दबाने के बाद दोस्तों आपके जो भी आपने जो भी मोबाइल नंबर डाला है उस पर एक OTP जाएगा, OTP को दोस्तों यहाँ पर आपको फिल करना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको OTP फिल करके मिलता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने OTP को फिल कर दिया है और अब आपको यहाँ पर दोबारा से कंटिन्यू पर दबाना है। कंटिन्यू पर दबाने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर यू हैव बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड थ्रो मोबाइल OTP, आपने मोबाइल OTP को यहाँ पर वेरीफाई कर दिया है। अब दोस्तों आपको नीचे चलना, आपके जो भी पैन कार्ड नंबर है वो आपके सामने आ जाएगा और उसमें जो भी आपका जो भी नाम है वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक दोस्तों, उसके बाद आप आपको दोबारा से कंटिन्यू पर दबाना है। कंटिन्यू पर दबाने के बाद दोस्तों अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब उसमें आपको पेमेंट करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स, ये जो फर्स्ट वाला दिया हुआ है, इसमें ही आपको यहाँ पर प्रोसीड पर दबाना है। प्रोसीड पर दबाने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। दोस्तों बिल्कुल आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि असेसमेंट ईयर में बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं। अब आपको असेसमेंट ईयर यहाँ पर 24-25 ही सेलेक्ट करना है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर 24-25 ही सेलेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद आपको नीचे चलना है और टाइप ऑफ पेमेंट में यहाँ पर फिर से सेलेक्ट करना है और लास्ट ही लास्ट में अदर रिसीव 500 ये लिखा हुआ है, ये आपको सेलेक्ट करना है और कुछ आपको सेलेक्ट नहीं करना है। ठीक दोस्तों, उसके बाद आपको नीचे चलना है और दोबारा से आपको कंटिन्यू पर दबाना है। कंटिन्यू पर दबाने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, उसमें आपको नीचे चलना है, नीचे चलना है। अब 1000 रुपये की जो भी पेनल्टी वो आपके सामने अदर में लिखा आ गया है, उसके बाद नीचे चलना है। अब दोबारा से आपको कंटिन्यू पर दबाना है। ठीक दोस्तों, अब आपके सामने फिर से ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, उसमें आपको नीचे चलना है। अब दोस्तों आपको पेमेंट करने के लिए यहाँ पर कई ऑप्शन दिए गए हैं। पहला नेट बैंकिंग है, दूसरा दोस्तों डेबिट कार्ड है, तीसरा पे एट बैंक अकाउंट है, चौथा है NEFT से है, पाँचवा है पेमेंट गेटवे से है। तो दोस्तों आप इसमें कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक दोस्तों, तो मैं अब आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करके बताऊंगा। ठीक दोस्तों, मैंने डेबिट कार्ड को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यदि दोस्तों इन डेबिट कार्डों के अलावा कोई भी डेबिट कार्ड है आपके पास तो आपको पेमेंट गेटवे पर जाना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको यहाँ पर दबा लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको नीचे चलना है और कंटिन्यू पर दबाना होगा। कंटिन्यू पर दबाने के बाद दोस्तों आपको फिर से नीचे चलना होगा। आपने जो भी सेलेक्ट किया है दोस्तों वो आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। ठीक दोस्तों, उसके बाद आपको जो भी 1000 रुपये की पेनल्टी लग रही थी वो भी अदर में आ जाएगी और यहाँ पर आपको पे नाव पर आप दबाना है। दबाने के बाद दोस्तों कुछ टर्म एंड कंडीशन आपके सामने आ जाएंगी, उसको आपको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं तो आपको इग्नोर करके नीचे लास्ट में जाना है, लास्ट में जाना है बिल्कुल। ठीक दोस्तों, यहाँ पर जो ये चेक बॉक्स है यहाँ पर आपको आई एग्री कर देना है और सबमिट टू बैंक करना है। ठीक दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर अकाउंट नंबर और यहाँ पर दोस्तों आपको कैप्चर कोड फिल करना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं दोस्तों यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर फिल करके मिलता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इसमें अपना अकाउंट नंबर और कैप्चर कोड दोनों चीज़ फिल कर ली है। अब यहाँ पर प्रोसीड पर आपको दबाना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से रजिस्टर है उसमें एक OTP जाएगा, OTP को यहाँ पर आपको फिल करना है। तो मैं आपको यहाँ पर OTP फिल करके मिलता हूँ।
ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पर ओटीपी को फिल कर दिया। अब यहाँ पर आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद दोस्तों आपके जो भी नाम है, अपने जो भी बैंक अकाउंट में नाम है, वो आपके सामने आ जाएगा। कार्ड नंबर आपके सामने आ जाएगा, इस पर आपको टिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर दोबारा से कंटिन्यू पर आपको दबाना है। कंटिन्यू पर दबाने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर आपको कार्ड होल्डर का नाम डालना है और वैलिड एक्सपायरी डेट डालनी है, पिन नंबर डालना है दोस्तों, और यहाँ पर कैप्चर कोड डालना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रोसीड करना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको सारी चीज़ फिल करके मिलता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब सारी चीज़ मैंने यहाँ पर फिल करनी है, उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड पर दबाना है। ठीक है दोस्तों, प्रोसीड पर दबाने के बाद, ठीक है दोस्तों, पेमेंट डन होने के बाद जैसे ही आप सबमिट करते हो पेमेंट को, तो आपके सामने ऐसा आ जाता है, चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप यहाँ से डाउनलोड करके अपने चालान को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर डाउनलोड पर आप दबा देता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे सामने ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का चालान रिसिप्ट है, वो आपके सामने डाउनलोड होकर आ गई है। यहाँ पर दोस्तों आपको जो भी BSR कोड है वो आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आपको 4 से 5 दिन तक आपको यहाँ पर वेट करना है, क्योंकि दोस्तों ये NSDL की वेबसाइट पर हो रहा है और इनकम टैक्स वाली वेबसाइट पर इसको 4 से 5 दिन हो जाते हैं अपडेट होने के लिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको दोस्तों दोबारा से ई फिलिंग वाली साइट पर आपको जाना है। ई फिलिंग वाली वेबसाइट पर आने के बाद आपको नीचे चलना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर लिंक आधार वाले ऑप्शन पर आपको जाना है। लिंक आधार वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आपको क्रोम पर ओपन करना है। क्रोम ओपन कर लिया दोस्तों, वो अभी पेमेंट जमा किया दोस्तों, अभी आपने आधार को पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं किया है, अब यहाँ पर लिंक करेंगे आप। ठीक दोस्तों, अब लिंक आधार के लिए आपको नीचे चलना है दोस्तों, फिर से आपको अपना पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर दोनों चीज़ यहाँ पर आपको फिल करनी होंगी। ठीक दोस्तों, तो दोनों चीज़ आपको यहाँ पर फिल करके मैं मिलता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर दोनों चीज़ फिल कर लिए। अब आपको नीचे चलना है और यहाँ पर वैलिडेट, जैसे ही दोस्तों आप वैलिडेट पर दबाओगे तो आपके सामने ऐसा लिखा आ जाएगा, योर पेमेंट डिटेल आर वेरीफाइड, प्लीज क्लिक ऑन कंटिन्यू टू प्रोसीड विद सबमिशन ऑफ आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट। ठीक दोस्तों, आपके सामने ऐसा ऑप्शन आ जाएगा और फिर से आपको कंटिन्यू पर दबाना है। ठीक दोस्तों, तो मैं कंटिन्यू पर आपको दबाकर मिलता हूँ। जैसे दोस्तों आपने कंटिन्यू पर दबाया, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा, योर रिक्वेस्ट फॉर आधार पैन लिंकिंग हैज़ टू बी सेंड UIDAI। अब आपके जो भी रिक्वेस्ट है वो आधार सेंटर UIDAI के पास भेज दिए, जैसे ही वो अप्रूव करेंगे तो आपका पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करना, और दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम ID है और मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जो आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहाँ जाकर मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।